सो वेलकम बैक टू माय चैनल। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट T20 आए। बांग्लादेश ने थ्रिलिंग मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। जस्ट सेकंड लास्ट बॉल पे उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। और मैच समरी पे अगर नजर डालें तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और उन्होंने है कि फर्स्ट 4 अफगानिस्तान की जो विकेट्स हैं वो 52 रन पे ही गिरा दी थी। बट देन मोहम्मद नबी टुक चार्ज एट नंबर 5। उन्होंने अनबीटन 54 रन स्कोर किए 40 बॉल्स पे। थोड़ा सा वो T20I के मुकाबले में स्लो खेले बट जो टीम की सिचुएशन थी इस हिसाब से वो अच्छा खेले। और ही वॉज सपोर्टेड बाय नजीबुल्ला जादरान एंड अजमतुल्ला उमरजई, जिसकी वजह से जो है अफगानिस्तान ने अपने अलॉटेड 20 ओवर्स में 154 for 7 रन स्कोर किए। फिर बांग्लादेश ने जब बैटिंग के लिए बांग्लादेश की टीम आई तो उनका भी सिमिलर ही स्टार्ट था। 64 पे उनके है कि 4 विकेट्स गिर चुके थे और 11 ओवर का खेल हो चुका था। देन तौहीद हिदायत टोक कंट्रोल ऑफ द चेज एंड शमीम हुसैन ने उनका साथ दिया और शमीम हुसैन ने 33 रन स्कोर किए 25 बॉल्स पे एट नंबर 6। और इस तरह से बांग्लादेश की टीम सही जा रही थी। लास्ट ओवर में है कि इजीली वो चेस कर सकते थे बट फर्स्ट जो है कि बॉल कराई करीम जन्नत ने लास्ट ओवर कराया और फर्स्ट बॉल उनकी है कि वाइड गई। इसके बाद मेहदी हसन वाज ऑन क्रीज और जो करीम जन्नत ने सेकंड थर्ड और फोर्थ बॉल पे हैट्रिक ली, यानी तीनों बॉल्स पे विकेट ली उन्होंने। फर्स्ट बॉल उनकी है कि वाइड गई, इसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ बॉल पे करीम जन्नत ने विकेट्स ले ली, जिसकी वजह से लग रहा था कि अब है कि अफगानिस्तान मैच जीत लेगा। बट फिर सेकंड लास्ट बॉल पे टारगेट बांग्लादेश की टीम ने अचीव कर लिया और बहुत ही थ्रिलिंग मैच हुआ, बहुत ही एक्साइटेड मैच हुआ। ऑल्सो स्टार्ट दोनों टीम से अच्छा नहीं था बट दोनों टीम से, जैसे अफगानिस्तान ने भी फिर मैनेज कर लिया। 154 वाज अ फाइटिंग स्कोर एट सिलहत के पिच, इतनी ज्यादा है कि बैटिंग सपोर्टिव नहीं होती है बट है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान की टीम ने भी 154 रन स्कोर किए जो कि फाइटिंग टोटल था एट दैट पिच। और फिर है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश की टीम ने टीम को भी मुश्किल में डाला। अफगानिस्तान की टीम ने 64 for 4 हो चुके थे। इसके बाद फिर है कि तौहीद हिदायत ने अच्छी इनिंग खेली और बांग्लादेश को जीत दिलाई। और लास्ट ओवर में करीम जन्नत ने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जो हाइलाइट्स ऑफ द मैच मैं कहूंगी कि करीम जन्नत की वो 3 विकेट्स थी जो मैच का पासा पलटते पलटते वो रह गए, अफगानिस्तान को जीत दिलाते दिलाते वो रह गए। वरना इन 3 विकेट्स के बाद लग रहा था कि अफगानिस्तान है कि ये मैच जीत जाएगा। बट अभी भी एक और मैच है, 2 मैच की T20I की सीरीज है ये, तो फिर आई थिंक के नेक्स्ट मैच अफगानिस्तान जीतेगा और सीरीज लेवल कर लेगा। और यह सीरीज तो अफगानिस्तान पहले ही 2-1 से विन कर चुका है और अब ये बांग्लादेश लीड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के पास चांस है कि वो विन कर सकता है अब। और अफगानिस्तान के पास यही है कि वो सीरीज लेवल करे, तो आई बिलीव कि अफगानिस्तान सीरीज लेवल कर लेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।